रूस और भारत की दोस्ती में अब एक और नया अध्याय जुड़ गया है। भारत और रूस मिलकर जल्द ही गगनयान मिशन पर काम करने वाले हैं। 2022 में भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने में सक्षम हैं। अभी इस सूची में मात्र 3 देश हैं। रूस ने यह उपलब्धि सबसे पहले हासिल की थी। रूस ने 1961 में ही यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया था। फिर अमेरिका ने यह कारनामा दोहराया और तीसरी उपलब्धि चीन के खाते में गई। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष विमान है जिसे 2022 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस गगनयान में 3 अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस जाएंगे। महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के तहत 2 अनमैन्ड और 1 मैन्ड फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें रूस मदद करेगा। देश का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद खास परियोजनाओं में से एक है। इसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसरो के इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का लक्ष्य 2022 तक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है। रूस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में बुधवार को दोनों देशों के बीच रक्षा से लेकर गगनयान तक 13 बड़े समझौते हुए। रूस और भारत ने रक्षा, तकनीक, एनर्जी से लेकर स्पेस मिशन तक अहम समझौते किए। पीएम मोदी की रूस की यात्रा ने इस दोस्ती को नया आयाम दिया है। यही नहीं, रूस भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन में मदद भी करेगा। गगनयान के लिए रूस भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देगा। साल 2022 में भारत के गगनयान मिशन पर 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल पुतिन की भारत यात्रा के दौरान अंतरिक्ष मिशन पर सहयोग देने को लेकर समझौता हुआ था। रूस, अमेरिका और फ्रांस के अलावा तीसरा देश है जिसका भारत के साथ 3 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, रक्षा, न्यूक्लियर और स्पेस में एक दूसरे को सहयोग देने को लेकर समझौता हुआ है। भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है और कई मायनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों एक दूसरे का साथ भी देते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।